तो सुमितेश और आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम फिर से आप पहुँचे प्रमोद ऑटो पार्ट्स पे। और आज पिछली बार हमने गाड़ी का वॉल है चेंज कराया था और एक काम और बचा था, बच्चा पासा ग्रह नहीं था, वो काम हमने नहीं कराया था। तो आज हम गाड़ी का जो पिस्टन है वो है चेंज है कराने वाले। तो देख सकते हैं गाड़ी का इंजन वगैरह खुलना चालू हो चुका है। तो भाई साहब देख सकते हैं ये है गाड़ी का साइलेंसर। और यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, काफ़ी सारे आपको ऑयल जला हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देगा। और ऑयल काफ़ी ज़्यादा जलने के कारण इंजन का बैठने का जो चांस है काफ़ी ज़्यादा था। और देख सकते हैं फाइनली हमारा जो इंजन है खुल चुका है। और ये रहा पिस्टन और इसी को हमें आज है चेंज है कराना है। ऊपरी हिस्से पर आपको काफ़ी सारे ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो फ्यूल है वहीं पे बर्न वगैरह हो जाता था, जिससे गाड़ी का जो फ्यूल है जो ऑयल है काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जा रहा था। तो भाई साहब ये है गाड़ी का क्लच पैच, बाइक का जो क्लच पैच है कुछ इस तरीके से होता है। अभी मैं पलारी ब्लॉक को साथ में लेके और यहाँ पे देख सकते हैं लेथ मशीन के सहारे जो ब्लॉक का होल है उनको बड़ा किया जा रहा है पिस्टन के कार पे, और साथ ही साथ फिनिशिंग का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये है गाड़ी का इंजन और ये है गाड़ी का पिस्टन जिसको अभी हमने चेंज कराया है। और ये है इनका ब्लॉक और यहाँ पे गोल का होल रहता है जहाँ पे फ्यूल है बर्न होता है, यहाँ से आती है एयर और फ्यूल का मिक्सर है यहाँ से आता है और यहाँ पे जो ब्लॉक रहता है वहाँ पे फ्यूल है बर्न होती है। और ये इनका हेड है जहाँ पे आपको दो वाल है आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ से जो फ्यूल है बर्न होती है यहाँ से धुआं के रूप में यहाँ से निकलती है, और ये वाला जो यहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सर है यहाँ से अंदर करता है और यहाँ पर जो फ्यूल है बर्न होती है। और ये जो हेड देख रहे हैं आपको यहाँ पे दो वाल है आपको देखने को मिलेगा, और दो वाल के जस्ट बगल में आपको एक छोटा सा ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये है अपना का जहाँ से करंट है सप्लाई होता है, और करंट सप्लाई जब होता है तो फ्यूल है यहीं पे बढ़ना है होती है। और जो हेड है उनके ऊपर से आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो ये बार बार अप डाउन ये ऊपर नीचे होता है। और ये जो देख रहे हैं ये इनका टेपिट है और इन्हीं के थ्रू जो वाल है ऊपर नीचे होता है, ये जब घूमती है तो वाल है ऊपर नीचे होती है। तो देख सकते हैं ये है इनका हेड और ये इनका रहा ब्लॉक जहाँ पे फ्यूल है बर्न होती है उनके ऊपर ये हेड आपको देखने को मिलेगा। और उनके ऊपर ये टाइमिंग चैन और टाइमिंग चैन उनसे टैपिट वगैरह कनेक्ट रहता है, ये दोनों टैपिट है। इसी के नीचे ये आपको दो वाल है आपको देखने को मिलेंगे जो ऊपर नीचे होती है। और राइट साइड आपको ये क्लच पैच है इस साइड आपको देखने को मिलेगा, तो ये है क्लच पैच। और देख सकते हैं यहाँ पे गियर बॉक्स वगैरह इस साइड आपको देखने को मिलेंगे, और एयर और फ्यूल का मिक्सचर है यहाँ से यहाँ पे इंटर करता है ब्लॉक पे, और फ्यूल बर्न होती है यहाँ पे एक प्लग है लग रहता है तो यहाँ से करंट है सप्लाई किया जाता है जिसे इंजन है चलता है। तो वैसे आप देख सकते हैं ये है पिस्टन कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पे फ्यूल है बर्न होती है उसी कारण यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। और इसकी साइज़ की बातें करें तो ये 0 साइज की थी, और अभी हाल ही में ये लगा है अभी नया वाला, ये 25 का लगा है 25। और अभी हमारी जो गाड़ी फाइनली बन चुकी है और अभी वॉशिंग के लिए रेडी है। और भाई साहब अभी हमारी जो गाड़ी है फाइनली बन के रेडी हो चुकी है, और हमने गाड़ी में दो काम कराए थे, तो इनका क्लच पैच का काम है कराया था और दूसरा है ये पिस्टन का काम है कराया था। और गाड़ी को बनवाने में हमें करीब
चार से पाँच घंटा है लग गया। तो जब भी आप गाड़ी बनवाने जाते हैं, आप इंजन का काम है करवाते हैं, तो फुर्सत के टाइम पे जाइएगा, संडे के टाइम पे जाइएगा, नहीं तो आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त आपका लग जाएगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो है जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।